फ्रेंड्स, सौम्याज किचन में आपका स्वागत है। आज हम बना रहे हैं कच्ची आमी, धनिया और भुजिया की चटनी। चटनी बनाने के लिए हमको चाहिए धनिया, ये 1 कप धनिया है। कच्ची आमी इसको छील करके और काट लिया है छोटे छोटे पीसों में। 1/3 कप कच्ची आमी है। 1 इंच अदरक का पीस लिया है। 1 टीस्पून नींबू का रस। 1/3 कप भुजिया, नमकीन सेव ले लें कोई भी, मिर्च अपने टेस्ट के अनुसार या 5 से 6, और नमक। अब एक मिक्सी का जार लेंगे, जार में डालेंगे अदरक। अदरक को थोड़े छोटे छोटे पीसों में काट के डाल देंगे। हरी मिर्च, आमी, भुजिया, नमक। भुजिया में भी नमक होता है तो नमक टेस्ट के अनुसार डालें। धनिया, अब एकदम महीन पेस्ट बना लेंगे। थोड़ा चलाने के बाद 2 टेबल स्पून के करीब पानी डाल देंगे। चटनी थोड़ी थोड़ी पिस गई है, अब इसमें डाल देंगे नींबू का रस 1 टीस्पून और फिर से एक बार चला देंगे। चटनी पिस करके तैयार है। एक बाउल में निकाल लेंगे चटनी को, आमी, धनिया और भुजिया की चटनी तैयार है। इस चटनी को आप कटलेट्स, सैंडविचेस या किसी भी स्नैक्स के साथ सर्व कर सकते हैं। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और कमेंट करें कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी, और शेयर करें रेसिपी को। स्टे हैप्पी एंड कीप कुकिंग। थैंक यू।